आगरा की फतेहपुर सीकरी सीट से सांसद चौधरी बाबूलाल का टिकट कट गया है। इस सीट से भाजपा के राजकुमार चाहर प्रत्याशी होंगे। आइए जानते राजकुमार चाहर के बारे में। चाहरवाटी निवासी राजकुमार चाहर एक किसान नेता के रूप में प्रचलित हैं। इनके समर्थकों में युवाओं की लंबी फहरिस्त है। 2012 के विधानसभा चुनाव में भाजपा से टिकट न मिलने पर राजकुमार चाहर ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और 60,000 वोट मिले थे। उनके समर्थन में बड़ी संख्या में युवाओं के साथ स्थानीय लोग थे। राजकुमार चाहर बीकॉम हैं, इसलिए कटी चौधरी बाबूलाल की टिकट। सांसद चौधरी बाबूलाल विवादों में रहे हैं। उनका और सांसद रामशंकर कठेरिया का विवाद 5 साल तक चलता रहा। जुबानी जंग के साथ ही एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया था। चौधरी बाबूलाल सरकार के फैसले के खिलाफ भी कई बार बयानबाजी कर चुके हैं। गुरुवार को होली खेलने के बाद दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने प्रेसवार्ता में प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी से प्रत्याशी घोषित किया है। गांधीनगर से अमित शाह चुनाव लड़ेंगे। आगरा की फतेहपुर सीकरी सीट से सांसद चौधरी बाबूलाल का टिकट कट गया है। इस सीट से भाजपा के राजकुमार चाहर प्रत्याशी होंगे। आइए जानते राजकुमार चाहर के बारे में। चाहरवाटी निवासी राजकुमार चाहर एक किसान नेता के रूप में प्रचलित हैं। इनके समर्थकों में युवाओं की लंबी फहरिस्त है। 2012 के विधानसभा चुनाव में भाजपा से टिकट न मिलने पर राजकुमार चाहर ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और 60,000 वोट मिले थे। उनके समर्थन में बड़ी संख्या में युवाओं के साथ स्थानीय लोग थे। राजकुमार चाहर बीकॉम हैं, इसलिए कटी चौधरी बाबूलाल की टिकट। सांसद चौधरी बाबूलाल विवादों में रहे हैं। उनका और सांसद रामशंकर कठेरिया का विवाद 5 साल तक चलता रहा। जुबानी जंग के साथ ही एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया था। चौधरी बाबूलाल सरकार के फैसले के खिलाफ भी कई बार बयानबाजी कर चुके हैं। गुरुवार को होली खेलने के बाद दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने प्रेसवार्ता में प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी से प्रत्याशी घोषित किया है। गांधीनगर से अमित शाह चुनाव लड़ेंगे। आगरा की फतेहपुर सीकरी सीट से सांसद चौधरी बाबूलाल का टिकट कट गया है। इस सीट से भाजपा के राजकुमार चाहर प्रत्याशी होंगे। आइए जानते राजकुमार चाहर के बारे में। चाहरवाटी निवासी राजकुमार चाहर एक किसान नेता के रूप में प्रचलित हैं। इनके समर्थकों में युवाओं की लंबी फहरिस्त है। 2012 के विधानसभा चुनाव में भाजपा से टिकट न मिलने पर राजकुमार चाहर ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और 60,000 वोट मिले थे। उनके समर्थन में बड़ी संख्या में युवाओं के साथ स्थानीय लोग थे। राजकुमार चाहर बीकॉम हैं, इसलिए कटी चौधरी बाबूलाल की टिकट। सांसद चौधरी बाबूलाल विवादों में रहे हैं। उनका और सांसद रामशंकर कठेरिया का विवाद 5 साल तक चलता रहा। जुबानी जंग के साथ ही एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया था। चौधरी बाबूलाल सरकार के फैसले के खिलाफ भी कई बार बयानबाजी कर चुके हैं। गुरुवार को होली खेलने के बाद दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने प्रेसवार्ता में प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी से प्रत्याशी घोषित किया है। गांधीनगर से अमित शाह चुनाव लड़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।